जय को बेटा हुआ है जिसका नाम शिवम रखा गया है। हाँ, कितने अरमान थे मेरे, अपने घर के आंगन में पोते की किलकारियां गूंजी। पर मैंने तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, यही कहना चाहती हो ना तुम? सच तो यही है, तुम सबने मुझे विलन बना दिया है। क्या तुम्हें क्या लगता है, मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है? क्या मैं अपने पोते को खिलाना नहीं चाहता, उसे गले से लगाना नहीं चाहता? तो फिर चले क्यों नहीं जाते? आपको उनके बिना शादी एक साथ रहने से प्रॉब्लम थी ना, अब तो वो भी सॉल्व हो गई है, उन्होंने शादी कर ली है। वो शादी का शादी है, बस जाकर पेपर पर साइन कर दिए। तो फिर आप चाहते हैं तो वो होगा कैसे? वो कराने नहीं चाहता, वो सिर्फ तुमसे बात करता है, तुम्हें फोन करता है। मैंने कभी फोन उठाया तो बिना बात के काट देता है। कभी उसने मुझे मनाने की कोशिश ही नहीं की। डरता है आपसे, आपके सामने जबान खुलने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो शादी करके बच्चा पैदा करने की हिम्मत है? ये सब तुम्हारे शहर की साजिश। अगर मेरे पास आ जाता, मुझे खुशखबरी सुनाता तो क्या मैं उसे भगा देता? आप रो रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा बेटा है, अपनी मां का बेटा। मैं जानती हूं आपके दिल में पत्थर नहीं है, आप उसे जरूर माफ कर देंगे। हेलो आकांक्षा, मैं बादल बोल रहा हूँ। आकांक्षा तुम प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। क्या ये सच्चाई भी बदल जाएगी कि आपके 15 साल की बेटी है? आकांक्षा तुम मेरी बेटी की वजह से मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? जरा सोचो बादल, इतनी बड़ी बेटी को मैं और वो मुझे कैसे अपना सकती है? सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो। देखो बहुत सालों के बाद तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो बादल। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी आकांक्षा। उर्मी की वजह से हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, वादा। ऐसी बातें मत कीजिए जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, और बार बार मुझे फोन करके परेशान भी मत कीजिए। गुस्सा बाजी में बेटी, ऐसा कहकर आप हर बार बात को टाल देते। क्या करूं बेटी, अब प्रधानमंत्री जी ने भी उसी दिन इमरजेंसी बैठक बुलानी थी जिस दिन मेरा नाती होने वाला था। देखिए नाना, आप मेरे बेटे की पैदाइश पे नहीं आए, ये जुर्म तभी माफ हो सकता है जब आप उसके नामकरण पे आए और उससे माफी मांगे। कान पकड़ के हाथ जोड़ के अपने नाती से माफी मांगूंगा, और देखना वो अपने नाना को कितने प्यार से माफ कर देगा। लेकिन पक्का आ रहे हो ना? बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगा। देखती हूँ। तुझे मेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है ना? आप हो ही वैसे ना, हर बार वादा करते हो और नहीं आते। पर इस बार मैं जरूर आऊंगा। ओके बच्ची। नाना इस बार मैं और आपका नाती
दोनों आपका वेट करेंगे। ओके ओके बाय बाय। ये फिर वही बात लेकर बैठ गई है तू उर्मी, इतना बड़ा घर है फिर हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है। और फिर अभी तो तुम्हें पापा मिले हैं, मुझे यूं छोड़कर चली जाओगी? दिल तो नहीं कर रहा पापा, मगर फिर अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे पापा मुझ जैसे होंगे? सच कहूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा का दिल इतना बड़ा होगा। पता है पापा, मैं अक्सर मम्मी को आपके बारे में पूछा करती थी। तुम्हारी मम्मी क्या कहती थी? बहुत तारीफ करती थी। एक बात बोलो पापा, शादी के बाद मम्मी ने आपको बहुत मिस किया। इस तो मैंने भी उन्हें बहुत किया बेटा, अब तू आ गई है ना, सब ठीक है। मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा बेटा, किसी भी कीमत पर नहीं। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? हाँ बेटा, इससे भी ज्यादा। तू मेरे पहले प्यार की निशानी है। इतने अच्छे पापा से मैं इतने साल दूर रही, सच बहुत बदनसीब हूं मैं। अब नहीं रहेगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हॉस्टल वॉस्टल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मुझे ये बता, तुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए? मुझे तो यहाँ किसी भी कॉलेज का नाम नहीं पता। खैर मैं आपको सोच के बताऊंगी। अमोल, अरे इतना सारा सामान। भाई नानी बनी हूँ, मजाक थोड़े ही है। और बहुत खुश भी तो हो। खुशी का ही दिन है, तुम नहीं चलोगे नामकरण संस्कार में? भाई क्यों नहीं चलूंगा, अगर वो तुम्हारा नाती है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। तुम चलो, मैं एक मीटिंग निपटा कर आता हूँ। पक्का आओगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है सुलभा, वैसे तुमने गलत किया है। क्या? देखो अगर तुम मुझे बताती कि तुम मार्केट जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलता, कोई छोटा मोटा गिफ्ट मैं भी ले चलता उसके लिए। ये सब तो है, तुम और मैं अलग थोड़े ही हैं। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी। फिर भी क्या, अगर मैं नानी बनी हूँ तो तुम नाना हुए ना? हाँ वो तो है, लेकिन अनऑफिशियली। मैं निकलूं? तुम आओगे ना? हाँ तुम जल्दी पहुंच जाना। प्रतिमा को कहना वो चिंता नहीं करे, मैं पहुंच जाऊं। आई आई, मैं जा रही हूँ। आकांक्षा नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जा। नहीं आई, ऑफिस के लिए देर हो रही है। होने दो, नाश्ता करके ही जाना, दिन दिन भर भूखे पैसे गिरती हो। अरे हाँ आज लौटने में देर हो जाएगी। हाँ क्यों? प्रतिमा के बच्चे का नामकरण है ना, मुझे वहाँ जाना है। चेंज करने के लिए साड़ी भी लेकर जा रही हूँ। देख तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन नाश्ता करके ही जा। भाई तुम तो नाश्ते के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। गया। हेलो
आकांक्षा प्लीज फोन मत रखना, मैं बादल बोल रहा हूँ। जो कहना है जल्दी कहिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे मिल नहीं सकती। आकांक्षा प्लीज इतनी पत्थर दिल मत बनो, कुछ ही समय के लिए सही। मिलकर क्या होगा? जो भी होगा सो आज शाम को कॉफी शॉप में। नहीं, मैं आज नहीं मिल सकती, आज मैं बिजी हूँ। तुम्हें मैं जब फोन करता हूँ या तो तुम होती नहीं हो या तुम बिजी रहती हो। आज मैं वाकई बिजी हूँ। प्रतिमा के बच्चे का नामकरण है, मुझे वहां जाना है। कल परसों में देखते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे कल परसों का वेट करूंगा। किसका फोन था बेटी? हाय, मैं जा रही हूँ। जल्दी से दिखाओ भाई, जल्दी से लाओ। माँ ला रही हूँ। लाइए, मैं कुछ करूँ? हम आ गए। अरे आओ आओ आओ, कितना प्यारा लग रहा है। आप यहाँ आइए आंटी। चलो शुरू करें। हाँ, शुरू करें। नाना नहीं आया अभी तक। ओ, फिर रुक जाते हैं थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ओ मेरी बच्ची, मैं आ गया। अरे नाना क्या हुआ? दिखाओ हमारा बच्चा कैसा है। ये नाना बिल्कुल मेरे पे गया शैतान कहीं का। ये बच्ची, इसको पहना। आहा, गोल्ड चेन, वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे बाप, बाद में ही पहनाते। चलो चलो, आ जाओ साहब। अभी ये ले, गोविंद गया। गोपाल ले। बाद 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 बाद। ओ बाबा, अभी रखते हैं। अभी रख। आले 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 बाबा। नाम रखो, नाम रखो। कान रखेगी नाम? कान में बताओ। बच्चे का नाम है शिवम। पहले नाना। चलिए शिवम साहब, अभी आपके सोने का टाइम हो गया है। आप अपने कमरे में आ गए हैं और आप अभी सोएंगे। गुड बेबी। अरे बाप रे बाप, ये सेरेमनी तो मुझे थका के रख दिया है। क्या झंझट है कसम से। अरे इसे झंझट मत कहो, ये नामकरण संस्कार है, इससे अपने बेटे को उसकी पहचान मिल गई है। मेरे लिए तो ये झंझट है। ऐसी बातें मत करो। देखो आज के पहले तुम इसे क्या पुकारते थे? इन्हें हम कहते थे हमारे चुनुमिया, टुनुमिया, मुनुमिया, क्यों? और आज के बाद क्या कहोगे? अभी इनको हम बुलाएंगे शिवम। फिर उसे अपनी पहचान मिल गई ना, आज के बाद ये कहलाएगा शिवम जय सक्सेना। बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन अब हर बात में फिलॉसफी की जोड़ दे। अरे भाई, नाम में क्या रखा है? रे, नाम में ही तो सब कुछ रखा है, धर्म, मजहब, जीने का तरीका। देखो, अगर हमारे बच्चे का नाम अल्बर्ट होता, या तो फिर शकील होता, या तो फिर परमीत होता, तो सब कुछ बदल नहीं जाता था। नाम तो हमें आगे आगे लेकर चलता है। राशन कार्ड पे नाम होता है, पासपोर्ट पे नाम होता है, और जब कोई हमें मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? फिर अब इसे नीचे रख। टाइम हो गया है आपका। देखो ना जाए,
एक छोटा सा संस्कार है, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं। अब क्या हम संस्कारों के पीछे लगे रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? मतलब तो देखो ना, खूबसूरत रात है, मेरी खूबसूरती बीबी मेरे साथ है, क्यों ना हम। समझ गई, तुम तो घूम फिर कर उसी बात पे आ जाते, बच्चे के बाप बन गए हो, समझ गए? मैं बच्चे का बाप बन गया उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीबी से प्यार करना छोड़ दूं। सुनो मेरा जय, कल मेरी फिल्म का प्रीमियर है। हाँ? तुम जल्दी घर आओगे ना? एक शर्त पर। क्या? तुम जरा मेरे सुनो। अब क्या है भाई? अब क्या है? क्या अब शिवम है? अब हम अकेले थोड़ी है, शिवम देख लेगा। देखो आ गई प्रतिभा। कैसी है तू? तू कैसी है? वाह, तुम लोग कब आए? थैंक यू सो वेरी मच, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर टुडे। ओह या शो या वाह। अभिषेक बात में कर लेना, कम ऑन, लेट्स गो। Hi, sir. Best of luck. I hope our film is going to do well. You know. Yeah, please. Let me go. You come along. Yeah, please. Just come with me. Yeah. Yeah, it's okay. Jay. जा रहे हो तुम? जय, क्या हुआ? तुम वहां से चले क्यों आए? कोई भी मर्द अपनी बीवी को दूसरों के बाहों में बाहें डालकर बात करते हुए देख नहीं सकता। जय, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति के सामने तुम उन घटिया लोगों से गले मिलकर बातें कर रही थी। फ्रेंडली हाँ क्या होता है? दूर से हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर बधाई भी तो दी जा सकती है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकती, कैसे घटिया इंसान हो तुम। आई नीड सम स्पेस। हाँ, तुमको तो स्पेस चाहिए, तुम तो बहुत बड़ी फिल्म स्टार हो, तुम्हारे लिए तो हजारों भाई हैं। आज तो तुम गले मिल रही थी, कल तो कुछ और भी कर सकती हो तुम। अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो? जो मैं देख रहा था वो गलत नहीं था। वैसे भी मेरे पास क्या है? तुमको तो दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। ये सब कुछ सहना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे बहस करना मेरे बस में नहीं है। हाँ, तुम्हारे बस में तो सिर्फ दूसरों से गले मिलना, उनसे चिपक चिपक कर बातें करना है, तुम्हारे तो मैं काफी नहीं हूँ ना। कैसे इंसान हो तुम? प्रतिमा जी, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री की मॉडर्न बातें मेरे समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ एक पत्नी चाहिए। तुम्हें पत्नी क्या चाहिए? तुम्हें तो हार्ड मास का एक पुतला चाहिए बस, जो तुम्हारे इशारों पे नाचता रहे, खाना खिलाए, चाय पिलाए, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुम ये समझती हो तो यही सही। कैसे मर्द हो तुम? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे लगता था
अपनी बीवी की कामयाबी पे खुश रहोगे तुम, सेलिब्रेट करोगे, वाह क्या सेलिब्रेशन।